बहुत अच्छा है। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मिस आईटीएन, एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। सो आज जाइट गेस्ट का डे टू है, बट आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अभी मैं काफ़ी लेट निकल रही हूँ, ऑडिटोरियम की तरफ जा रही हूँ। सो बहुत तेज़ बारिश आ रही है और हम लोग भाग के अभी ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे हैं। गो फास्ट फास्ट भागो। सो अभी मैं आपको ऑडिटोरियम के अंदर जाकर मिलती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही है अभी। सो हे गाइज, ये हमारा जो एनुअल फेस्ट चल रहा है आईआईटी रोपड़ का, उसका डे टू का वीडियो है। और इस टाइम पे जब हम ऑडिटोरियम गए थे तो मिस्टर एंड मिस जाइटगाइस्ट का इवेंट होने वाला था और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी डे टू पे। तो ये जो प्रोग्राम होने वाला था वो मेन स्टेज पे होने वाला था, लेकिन बारिश के कारण इसको ऑडिटोरियम में शिफ्ट कर दिया था। और फाइनली हम लोग ऑडिटोरियम पहुँच चुके थे और इवेंट भी स्टार्ट हो चुका था। सो आप भी इन्जॉय कीजिए, और इसका फुल वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है, तो आप अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। कैसा लगा तुम्हें इस इवेंट का? अच्छा। कैसा लगा तेरे को? और इवेंट अटेंड करने के बाद हम स्टॉल की साइड से आ गए हैं, जहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, और उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड जाने का सोच रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुँचे तो इन लोगों का आपस में मस्ती मजाक शुरू हो गया। ये लोग आपस में कुछ गेम्स खेल रहे थे, एंड फाइनली हम सब भाई बहनों ने एक रेस लगाने का सोचा कि कौन विनर बनता है। ऐसे करके उस टाइम पे हम 1.5 से 2 घंटे स्पोर्ट्स ग्राउंड में काफ़ी घूमे फिरे और काफ़ी एंजॉय किया। और उस टाइम पे बारिश भी नहीं आ रही थी, सुबह से बारिश आ रही थी, लेकिन उस 6-7 बजे के अराउंड बारिश नहीं आ रही थी। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हो, यहाँ पे बारिश हो रही है। रात को भी एक इवेंट और होने वाला है, तो उसके लिए मैं अभी ऑडिटोरियम जा रही हूँ। पूरे दिन से बारिश हो रही थी, तो इवेंट सारे ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो गए हैं। तो चलो चलते हैं ऑडिटोरियम की तरफ। बारिश के कारण सब जगह कीचड़ कीचड़ हो रहा है। सो प्रोग्राम भी अंदर स्टार्ट हो गया है, सो चलो चलते हैं अंदर। मोहम्मद रफी समझ लो, ये नीचे से आर डी बर्मन की तरह तालियां बजा रहे। चौथी पंक्ति में बजाना समझ में आए तो, और नहीं समझ में आए तो इसलिए बजाना कि पड़ोस में जो लड़की बैठी उसको समझ में आना चाहिए कि बंधु को भी समझ में आ रहा है। तो जैसे कवि सम्मेलन कंप्लीट हुआ, तो बाहर आते ही देखा कि मेन गेट पे, ऑडिटोरियम के मेन गेट पे है, वो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है,
क्योंकि लोगों के पास अम्ब्रेला नहीं है और बाहर बारिश आ रही थी, तो लोग यहीं गेट पे आके खड़े हो रहे थे सब, तो निकलने के लिए भी जगह नहीं थी। ओवरऑल जैसे बारिश ख़त्म हुई लोगों ने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके बाद बैंड नाइट थी, तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ खा पी के आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग बैंड वाला इवेंट है उसको भी अटेंड कर लेंगे। तो कभी से मिलन देख लिया तूने? हाँ देख लिया। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो कभी से मिलन बहुत अच्छा था एक्चुअली। अभी हम लोग बैंड के लिए जा रहे हैं जो लेक्चर हॉल में होने वाला है। सो लेट्स गो देयर। तो बैंड वाला इवेंट तो कैंसिल हो गया, चलो चलते हैं रूम पे जाके सोते हैं और क्या करेंगे। और क्या? ओह माय गॉड कितना पानी भरा है। सो जैसे ही हम लोग कवि सम्मेलन देखकर वापस आ रहे थे, तो उस टाइम पे हमें एक मेल रिसीव हुआ कि जो बैंड नाइट है वो कैंसिल हो गई है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग अभी कैफेटेरिया जाएंगे और कुछ खाने के बाद सो जाएंगे। बट जैसे ही हम लोग कैफेटेरिया पे आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जैसा कि आप देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पर। एंड विद इन 30 टू 40 मिनट हमें अगेन मेल रिसीव हुआ कि बैंड नाइट है वो होने वाली है, बट हम लोग कैफेटेरिया आ चुके थे ऑडिटोरियम से, तो बारिश भी हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे वापस, और खा पी के हमने हॉस्टल आके सोने का डिसाइड किया। और फाइनली इस तरीके से मेरा जो डे टू था वो कंप्लीट हुआ। मैंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मिस आई टी एन। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीक।